हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 5, मदर्स डे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज योर चैप्टर 5th, मदर्स डे, रिटन बाय जेबी प्रिस्टले। देखिए, द चैप्टर इज जो आपका दिया गया है, दिस इज ए प्ले, एक प्ले है एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर। द फॉलोइंग प्ले इज ए ह्यूमरस पोर्ट्रेल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन ए फैमिली। जो प्ले आपको दिया गया है, जो चैप्टर आपका है, वो एक ह्यूमरस है। ह्यूमरस मीन्स होता है कि लाइक इन अ फनी सेंस। पोर्ट्रेल है कि मीन्स इसमें शो किया गया है कि व्हाट इज द स्टेटस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए मदर इन ए फैमिली। एक माँ की क्या वैल्यू होती है, उसका क्या स्थान होता है किसी फैमिली में। लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स। कहते हैं कि राइटर क्या कह रहा है कि चलो रीड करते हैं। जब मिसेस पियर्सन जो है, सो इट्स मीन्स क्या है कि मिसेस पियर्सन इज़ द मदर ऑफ द फैमिली। इस फैमिली, जिस फैमिली का डिस्कशन हो रहा है उसमें मिसेस पियर्सन मदर है, यानी कि चैप्टर इज ओनली मेन फोकस जो है वो है मिसेस पियर्सन के ऊपर है। मिसेस पियर्सन के बारे में ये चैप्टर है आपका। जब मिसेस पियर्सन ये डिसाइड करती है कि वो अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए स्टैंड होगी, स्टैंड खड़ी होगी, ठीक है, तो उसकी फैमिली किस तरीके से रिएक्ट करती है, वो इस चैप्टर में आपको शो किया गया है। एक अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो क्या है कि मिसेस पियर्सन जो है वो एक मदर है, ठीक है, एंड वो अपने जितने भी बाकी जो हाउस चोर्सेज हैं, जो घर की जो ड्यूटी हैं, वो उनको बहुत अच्छे से निभाती हैं। लेकिन हर फैमिली जो है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। वो सिर्फ उनको, जो उसकी फैमिली जो है, सिर्फ उसको एक काम की मशीन की तरह समझते हैं। उसको अच्छे से, उसके साथ ट्रीट नहीं किया जाता है, अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता है। तो वही इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे एक कोई लेडी जो अपने राइट्स के लिए खड़ी होती है, तो उसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है, कैसे किसी मदर की, किसी लेडी की क्या क्या वैल्यू है हमारी सोसाइटी में, परिवार में, उसको शो किया गया। सो देर आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। ये दी जा द कैरेक्टर्स। फर्स्ट है मिसेस एनी पियर्सन, ठीक है, शी इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट इज जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, सिरिल पियर्सन एंड मिसेस फिजरेल्ट। देखिए, ये जो फर्स्ट फोर कैरेक्टर्स हैं, एनी, जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल, दीज आर द फैमिली। दीज फोर आर द फैमिली मेम्बर्स। मिसेस पियर्सन मदर हैं, जॉर्ज पियर्सन इज़ द फादर एंड डोरिस इज़ अ बॉय एंड सिरिल इज़ अ गर्ल। ये दोनों, इन दोनों के बच्चे हैं। एंड मिसेस फिजरेल जो हैं, शी इज़ द नेबर। वो नेबर हैं इस चैप्टर में इनकी, मिसेस पियर्सन की। फर्स्ट अब आपको यहाँ पर शो किया गया है, द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन ए लंदन सबर्ब। कि जो फर्स्ट सीन जो है प्ले का, वो मिसेस पियर्सन के घर का है, उसके लिविंग रूम का सीन दिखाया गया है। टाइम द प्रेजेंट, यानी कि जो भी टाइम चल रहा है वो टाइम है। सीन देखिए क्या है, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली। सीन जो है वो मिसेस पियर्सन की फैमिली के लिविंग रूम का है। आफ्टरनून, इट्स ए कंफर्टेबली फर्निश्ड। जो रूम जो है वो अच्छे से फर्निश्ड है, उसके अंदर मतलब हर एक फैसिलिटी है। मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सबम सेमी डिटेच्ड विला। इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज, बट इट इज़ बेटर विद टू, वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द अदर द स्टेयर्स एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर। कि मतलब मोस्टली जो इस सबम इस एरिया में हैं, जो सेमी डिटेच विला हैं, यहाँ पर जो हैं लगभग यहाँ पर सिर्फ एक ही दरवाजे की जरूरत है। लेकिन अगर दो हैं तो वो और भी बेटर है, कि एक दरवाज़ा जो है वो तो फ्रंट डोर की तरह काम करता है और स्टेयर्स के ऊपर जाता है सीधा, एंड सेकंड जो डोर है वो किचन की तरफ जाता है बैक डोर से। देयर कैन बी ए मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल। और जो लेफ्ट वॉल है वहाँ पर मसलिन कवर्ड, यानी कि उसके ऊपर मसलिन कर्टेन लगे हुए हैं, एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू, एंड शायद मे बी
राइट वॉल के ऊपर भी। द फायर प्लेस इज एज्यूम टू बी इन द लेफ्ट इन द फोर्थ वॉल। और जो फायर प्लेस है यानी कि जो अंगीठी जो है वो फोर्थ वॉल पे के पास है। देर इज ए सेटी अप राइट। सेटी मीन्स होता है कि एक सोफे की तरह एक सेटी अरेंज की गई है वहाँ पर बैठने के लिए। एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट, कि एक आर्म चेयर तो लेफ्ट साइड है और एक उसकी राइट साइड है। ए स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर। और एक छोटा सा टेबल है जिसकी दोनों साइड चेयर डली हुई है, ठीक है, वो सेंटर में है। ये है आपका इस प्ले का सीन जहाँ पर फर्स्ट सीन दिखाया गया। वेन द कर्टेन राइजेज इट इज़ एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम। जब पर्दा हटता है यानी कि जब जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है तो आफ्टरनून का सीन है, ऑटम सीजन चल रहा है। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट और मीन्स कि स्टेज पर अच्छे से रोशनी है। मिसिज पी एस एन एट राइट एंड मिसिज फिजरल एल लेफ्ट। स्टार्टिंग में इट कैन बी वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर यू, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है मिसिज पी एस एन और मिसिज फिजरल को लेकर। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है सुनना है। देखिए मिसिज पी एस एन जो है वो राइट साइड में बैठी हैं, मिसिज फिजरल हैं वो लेफ्ट में हैं। आर सीटिंग अपोजिट विच ईच अदर एट द स्मॉल टेबल। दोनों के बीच में एक स्मॉल टेबल है और दोनों एक दूसरे की साइड फेस करके बैठे हुए हैं। ऑन विच आर टू टी कप्स एंड सोसर्स एंड द कार्ड्स विद विच मिसेज फिजरल हैज़ बीन टेलिंग मिसेज पियर्सन फॉर्चून। कि भाई उनके पास दो चाय के कप रखे हुए हैं, ठीक है, एंड कार्ड्स हैं जिससे मिसेज फिजरल जो है वो मिसेज पियर्सन को उसका फॉर्चून उसका भाग्य के बारे में बता रही है। मिसेज पियर्सन इज ए प्लीजेंट बट वर्ड लुकिंग वुमैन इन हर फोर्टीज। मिसेज पियर्सन जो है वो काफ़ी प्लीजेंट यानी कि काम शांत लेडी है एक, लेकिन शी इज़ वर्ड, वो थोड़ी चिंतित है नेचर से। एंड हर एज इज़ 14, नियर अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड है वो। मिसेज फिजरल इज़ ओल्डर हैवियर एंड ए स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी। और जबकि मिसेज फिजरल जो है वो थोड़ी सी ओल्ड हैं, हैवियर हैं, मीन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं वो। शी इज़ स्मोकिंग, मिसेज फिजरल जो है वो स्मोक कर रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस। कि भाई इन दोनों के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है इन दोनों में वो क्या है, इन दोनों की आवाज़ जो है वो बहुत अलग है। मिसेज पी एस एन स्पीकिंग इन ए लाइट, मिसेज पी एस एन जो है वो बहुत धीमे बोलती हैं। फ्लर्डी शॉर्ट ऑफ टोन विद ए टच ऑफ स्टबर्न कोकनी परहैप्स एंड मिसेज फिजरल विद ए डीप वॉइस रेदर इरिश परहैप्स। और वही उसकी जो आवाज़ जो है वो सबर्न कोकनी मीन्स जहाँ यहाँ के लोगों की तरह आवाज़ है, लेकिन मिसेज फिजरल की जो आवाज़ है वो थोड़ी डीप है, गहरी है, मीन्स सीरियस नोट की तरह है। एंड थोड़ा सा उसके अंदर इरिश यानी कि इरिश टच उसकी वॉइस में आता है। अब प्ले स्टार्ट हो जाता है। मिसेज फिजरल कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, मिसेज फिजरल जो है वो कार्ड्स इकट्ठे करती हैं। एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, और क्या कहती है कार्ड्स उठाकर कि यही मैं आपको बता सकती थी। मिसेज पियर्सन कुड बी ए गुड फॉर्चून, क्या कहती है कि भाई आपका एक अच्छा भाग्य हो सकता है। कुड बी ए बैड वन, बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, कि भाई अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज़, अपना दिमाग अपना माइंड सेट कर लो और फिर सब कुछ वैसे ही होगा अकॉर्डिंग टू यू वट एवर यू वॉन्ट। मीन्स कि जैसा आप चाहोगे वैसा ही आपको मिलेगा। इफ़ यू वॉन्ट गुड फॉर्चून देन इट विल कम टू यू गुड, एंड इफ़ यू वॉन्ट बैड देन बैड विल कम टू यू। यस थैंक यू मिसिज फिजरेल, आई एम मच ओब्लाइज्ड। फिर मिसिज पियर्सन जो है उसको थैंक यू करती है और कहती है कि मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। आई एम श्योर इट्स वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, क्या कहती है कि भाई ये बहुत भाग्य की बात है या अच्छी बात है कि कोई रियल फॉर्चून टेलर यानी कि कोई सच्चा भाग्य बताने वाला आपसे नेक्स्ट डोर ही रहता हो। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या ये तुमने ईस्ट में भी
लर्न किया था, पढ़ा था, यानी कि इसके बारे में सीखा था। मिसेस फिजरेल, 12 ईयर्स आई हैड ऑफ इट। फिर मिसेस फिजरेल बोलती हैं कि यस मैंने किया था, नियर अबाउट 12 ईयर्स हैड बिन पास्ड विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू द लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर। ही लर्न अ लॉट एंड आई लर्न अ लॉट मोर। कि भाई उसने अपना जो उसके जो मास्टर जो था, यानी कि उसके हस्बैंड जो थे लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, उनके साथ उसने ये सब कुछ सीखा था। उन्होंने बहुत कुछ सीखा इस चीज़ में, ठीक है, ये स्टडी बहुत ज़्यादा की। एंड इसके साथ साथ मैंने भी बहुत कुछ सीखा फॉर्चून, ये जो कार्ड रीडिंग है इसके बारे में। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, क्या कहती है लेकिन मिसेस फिजरेल आगे, कि क्या तुम अब अपना माइंड सेट कर लोगी। मिसेस पीएसएन डियर, पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली। पुट योर फुट डाउन मीन्स क्या है कि भाई एक बार अपने पैर जमा लो, मीन्स देर इज़ ए नीड दैट यू वंस बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कि एक बार ज़रूरत है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की। वंस फॉर ऑल, सिर्फ एक बार, एंड देन उसके बाद यू विल बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर हाउस, यू विल बी द बॉस ऑफ योर फैमिली, ठीक है। उसके बाद आप अपने आप से अपने घर की मालकिन, अपने परिवार की बॉस अपने आप बन जाओगे। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, अपोलोजेट मीन्स कि भाई माफ़ी मांगते हुए एक तरीके से वो स्माइल करती हैं। दैट्स ईजियर सैड दैन डन, क्या कहती है कि इट्स वेरी ईजी टू से, कहना आसान है। बिसाइड्स आई एम सो फाउंड ऑफ दैम इवन इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, क्या कहती है कि भाई दैट शी लाइक दैम वेरी मच, इवन दे डो नॉट थिंक अबाउट हर एंड दे बिहेव वेरी सेल्फिश विद हर, कि भी वो मेरे साथ बहुत सेल्फिश बिहेव करते हैं, मेरे बारे में कभी नहीं सोचते हैं, इसके बावजूद भी मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। दे डोंट मीन टू बी, कि मीन्स भी मैं उनके साथ ज़्यादा मीन नहीं हो सकती और वो मेरे लिए ज़्यादा मीन नहीं हो सकते। मिसेस फिजरेल कटिंग इन, कटिंग इन्स की मीन्स वो इतना ही बोलती है, उसको बीच में ही वो रोकती है, मे बी नॉट कि शायद नहीं, बट इट वुड बी, यह है, इट वुड बी बेटर फॉर दैम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, तो कहती है कि परंतु उन्हें ज़रूरत है कि वो सीखें कि दैट दे बिहेव वेरी प्रॉपरली विद यू, कि वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करें। यस आई सपोज इट वुड इन अ वे, क्या कहती है मिसेस पियर्सन फिर इस पर, कि हाँ मैं भी ऐसी उम्मीद करती हूँ कि शायद ऐसा हो कभी। नो डाउट अबाउट इट ऑल, कि भाई इस चीज़ के बारे में कोई शक नहीं है। हु इज़ द बेटर फॉर बींग स्पॉइल्ड ग्रोन मैन लैड और गर्ल, कि भाई हु इज़ द बेटर और बींग स्पॉइल्ड, कि भाई कौन बेटर है ज़्यादा बिगाड़ने में, कि भाई वो ग्रोन मैन यानी कि तुम्हारे हस्बैंड या लड़का या फिर लड़की, मीन्स कि तीनों ही एक जैसे बिगड़े हुए हैं, यानी कि वो तुमने ही स्पॉइल कर रखे हैं तीनों को। नो बडी, यू थिंक इट डज़ दैम गुड वैन यू रन आफ्टर दैम, भाई तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचती हो कि भाई जब तुम उनके पीछे पीछे भागती रहती हो, उनकी सारी चीज़ें उनको अवेलेबल करवाती रहती हो, तो क्या तुम उनके लिए कुछ अच्छा कर रही हो। टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ़ यू वर द सर्वेंट, और उनके ऑर्डर्स लेती हो जैसे तुम उनकी नौकरानी हो। इन द हाउस, तुम्हारे खुद के घर में, स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट इन्जॉइंग देमसेल्फ, और वो तो सब लोग क्या करते हैं कि भाई बाहर इन्जॉय करने के लिए चले जाते हैं, एंड यू स्टे एट होम, तुम सारी रात सब मतलब डेली तुम घर पर ही रहती हो, यू डो नॉट गो एनी वेयर आउटसाइड द हाउस फॉर एनी एन्जॉयमेंट। नेवर इन ऑल योर लाइफ, कि मीन्स आज तक अपनी लाइफ में तुम कभी भी बाहर नहीं गई हो अपनी लाइफ को इन्जॉय करने के लिए। इट्स द रून ऑफ दैम एज वेल एज यू, कि कहते हैं कि ये इस तरीके से तुम उनको तो रून कर ही रही हो, उनको तो बिगाड़ ही रही हो, साथ साथ तुम अपने आप को भी ख़राब कर रही हो। हस्बैंड्स सन्स डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइव्स एंड मदर्स, क्या कहते हैं कि भाई हस्बैंड हो, लड़का हो, बेटा हो या बेटी हो, उन सबको अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए, अपनी मदर का ध्यान रखना चाहिए। नोट गिविंग दैम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग दैम लाइक डर्ट, भी उसको चाहे वो मदर है चाहे वो वाइफ है, उसको ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए, ना ही उनको एक
ट्रीटिंग डर्ट मीन्स कि धूल मिट्टी की तरह, यानी कि इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि जैसे उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और कहती है कि अब मुझे ये मत बता, ये मत कहना कि तुम नहीं समझ रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, क्या कहती है कि जितना तुमने मुझे बताया है मैं उससे कहीं ज़्यादा जानती हूँ। फिर मिसेस पियर्सन डब्यूसली मीन्स कि वेरी डाउट, वो कहती है कीप ड्रॉपिंग ए हिंट, थोड़ी सी हिंट देने के लिए। हिंट मिसेस पियर्सन क्या कहती है इस पर कि हिंट कि भाई तुम अभी भी उनको हिंट ही देना चाहते हो। इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स, कि भाई अब तुम्हारी फैमिली को हिंट की ज़रूरत नहीं है, हिंट से कुछ ज़्यादा तुम्हारी फैमिली को चाहिए मिसेस पियर्सन। देन मिसेस पियर्सन ऑब्वियसली आई सपोज इट इज़, कि भाई मुझे भी लगता है कि ऐसा ही, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस, लेकिन वो क्या कहती है कि भाई मुझे रूड बिहेव करना पसंद नहीं है। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, एंड सबसे बड़ी बात तो क्या है, सबसे बड़ा मुश्किल काम उसके लिए क्या है कि भाई उसे नहीं पता कि उसे कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे शुरुआत करनी है टू बी ए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम, के कहते हैं कि मैं काफ़ी बार अपना माइंड सेट करती हूँ कि मैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग बनूँ, बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, लेकिन काफ़ी बार या फिर उसे नहीं समझ में आता है कि भाई वो शुरुआत कहाँ से करें। शी ग्लांसेस एट हर वॉच और एट ए क्लॉक, फिर वो एक बार अपनी घड़ी की तरफ और फिर वो क्लॉक वॉच जो उनकी वॉल क्लॉक है उसकी तरफ देखती हैं। ओ गुड ग्रेशियस लुक एट द टाइम, कहती है फिर मिसेस फिजरल को बोलते हैं कि देखो टाइम देखो, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट, क्या कहती है कि अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है और वो लोग घर पर आते ही होंगे। एंड प्रोबेबली ऑल इन ए हरी टू गो आउट अगेन, एंड शायद सभी इतनी जल्दी में होंगे कि उन्हें फिर से बाहर जाना होगा, मीन्स कि वो अभी घर पर आएंगे वापस और घर पर आते ही उन्हें जल्दी होगी वापस से बाहर जाने की। एज शी इज अबाउट टू राइड, मिसेस फिजरेल्ड रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन, इतना बोलने के बाद मिसेस पियर्सन उठने ही वाली थी कि मिसेस फिजरेल जो है उसको टेबल के अक्रॉस होकर उसको पकड़ती है और उसको नीचे बिठा देती है। मिसेस फिजरेल लेट दैम वेट और लुक आफ्टर दैम सेल्फ फॉर वंस, क्या कहती है कि भाई उन्हें वेट करने दो या फिर अपना ध्यान अपना काम उन्हें अपने आप से करने दो, चाहे सिर्फ एक बार के लिए। दिस इज़ वेयर योर फुट गोज़ डाउन, एंड यही तुम्हारे लिए स्टार्टिंग हो सकती है जब आप तुम अपने पैर जमा सकती हो। दिस कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू, स्टार्ट नाउ, अभी से शुरू करो। शी लाइट्स ए सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड, जो उसने सिगरेट अभी अभी ख़त्म की थी उससे वो एक और सिगरेट जला लेती है। मिसेस पियर्सन एम्बैरस्ड, मिसेस पियर्सन जो है वो थोड़ा सा एम्बैरस करती है, शर्माती है। मिसेस फिजरेल्ड आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई एग्री विद यू, क्या कहती है मिसेस फिजरेल्ड से कि भाई मुझे पता है कि तुम्हारा बहुत अच्छा मतलब है या तुम जो भी कर रही हो वो एक अच्छे रीज़न से कर रही हो, इनफैक्ट मैं भी एग्री करती हूँ, बट आई जस्ट कांट, लेकिन मैं नहीं। एंड इट्स नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, एंड क्या कहती है कि तुम मुझे मनाओ, तुम मुझे कन्विंस करो, उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ आई प्रोमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद दैम, आई नो आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रोमिस, कहती है कि अगर मैं तुमसे प्रोमिस कर दूँ कि दैट आई वुड रियली हैव इट, कि भाई मैं वास्तव में ये सब करूँगी जैसा तुमने कहा है, जैसा तुम कह रही हो, तो भी मुझे पता है आई वुड नॉट बी एबल, मैं अपना उस प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। मिसेस फिजरेल देन लेट मी डू इट, फिर मिसेस फिजरेल इस पर क्या कहती है कि फिर मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, थोड़ी सी वो कन्फ्यूज हो जाती है इस बात पर, ओ नो थैंक यू वेरी मच, क्या कहती है कि नहीं नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिसेस फिजरेल, बट दैट वुड नॉट डू एट ऑल, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर सकती।
इट कुड नॉट पॉसिबली बी समबडी एल्स, कि कहते हैं कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है किसी और की जगह ले लेना या किसी और की जगह बन जाना. दे वुड रिजेंट इट एट वंस, वो एक मिनट में पहचान जाएंगे. एंड वुड नॉट लिसन, और बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे. एंड रियली आई कुड नॉट ब्लेम दैम, और कहते हैं कि वास्तव में मैं उनको दोष भी नहीं दे सकती. आई नो आई ought टू डू इट, कहती है कि मुझे पता है ये मुझे खुद को ही करना होगा. बट यू सी हाउ इट इज़, लेकिन जैसे तुम देख रही हो कि ये सब कैसे हो. शी लुक्स अपोलोजेक्टली अक्रॉस द टेबल, स्माइलिंग रेदर मिजरेबली. अब वो स्माइल करती है अपोलोजेक्टली, मीन्स माफ़ी मांगते हुए एक तरीके से, और उसकी स्माइल जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी मिजरेबल. उसकी स्माइल जो है वो भी सैडनेस से भरी हुई है, लाचार है वो. मिसेस फिजरल्ड कूली, यू हैव नॉट गॉट द आइडिया. अब मिसेस फिजल थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोलती है कि तुम्हें मेरा आइडिया जो है वो समझ में नहीं आया. मिसेस पीएस एंड बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड मीन्स कि थोड़ी सी विचलित होते हुए कहती है, ओ आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट. कहती है कि अच्छा सॉरी, मैं मुझे तो ये लगा तुम मुझसे ये कह रही हो कि भी तुम मुझे परमिशन दो कि आप मेरी जगह पर रहकर ये सब कुछ करोगी. मिसेस फिजरेल, आई डिड, कि हाँ मैं ऐसा ही कह रही हूँ, बट नॉट एज मी एज यू, लेकिन मैं मिसेस फिजरेल बनकर नहीं बल्कि मिसेस पीएसएन बनकर ही ये सब करूँगी. मिसेस पीएसएन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुड नॉट बी मी. अब मिसेस पीएसएन क्या कहती है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यू कुड नॉट बी मी, कि तुम तो मेरी जगह नहीं बन सकती, मेरी जगह नहीं ले सकती. ठीक है, सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर अब जो है वो हम इन द नेक्स्ट क्लास करेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग.